हूँ, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जा रही हूँ ARY के मॉर्निंग शो में, और वहाँ पहुँच के जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी मेकअप के बाद, वो भी आपको गेटअप दिखाऊंगी, और किन किन लोगों से मुलाकात होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं कार में जा रही हूँ, तो बाकी मुलाकात वहीं होती है। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि अचानक गाड़ी की खिड़की पर जोर से ठक ठक होने लगी। मेरा दिल के हलक में आ गया, डर गई मैं कि आ गया कोई मोबाइल छीनने वाला। मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा, बाजी ये ले ले। बहुत दुख की बात है, सारे दुनिया में चाइल्ड लेबर एक अब्यूज समझा जाता है, और हमारे यहाँ आप देखें हर जगह चौक पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं और इस तरह के काम कर रहे होते हैं। मैं ARY के स्टूडियो पहुँच चुकी हूँ, उनका ऑफिस है, देखें अभी हम जाएंगे मेकअप रूम में, ठीक है, तो वहाँ आपसे मुलाकात होती है। ये ARY का स्टूडियो है, जो है यहाँ देखिए, ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बता दें अपना नाम, मोना डार्लिंग। और ये सारे आर्टिस्ट अभी मेकअप हो रहा है, शुरू हो गया जी, तो जनाब मेकअप हो रहा है, और इस वक्त मैं बिल्कुल भूख लग रही हूँ क्योंकि बेस बन रहा है, तो बेस के बाद बेबी को बेस पसंद है, बेस के बाद भूत ही लगते। और मोना डार्लिंग आफ्टर मेकअप में अच्छी लगूंगी इंशाल्लाह, जब पहला प्ले किया था PTV का कशिश, उसमें ये हमारी TT मिनिस्टर बनी थी, और ये मेरी सेक्रेटरी बनी थी। तो हमारी यादें वापस आ गई हैं, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और जब भी हम मिलते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहे आप, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक चिट-चैट का सेशन इंटरव्यू करूँगी, पूरी इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके सफ़र के बारे में सब कुछ आपको बताऊँ, सब कुछ कॉल कर देगी। ये मेरे साथ है शहजादी, हमारी मेकअप आर्टिस्ट, बिल्कुल शहजादी है। इसके साथ हमने कौन सा दोहरी किया था ना, दोहरी, हाँ, बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, और बहुत अच्छा लगता है इसके साथ काम करते हैं। और निदा की ये खास पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है, हम ड्रामे के शूट पे सुबह सुबह उठ के सोते पे उठा देती थी, मैं सो रही होती थी और ये मैं किसी मुझे नींद आई, सोते में मेरा मेकअप कर देती थी, और जब मैं उठ के देखती थी ओ, फिर उठ के फिर बाल बनाने, फिर चलो जी ड्रामे की शूट पे चले गए, बड़ा मजा आया था। बहुत टाइम याद रहता है कि हम लोगों ने जो अच्छा टाइम गुजारा होता है वो हमें, देखिए यही जिंदगी है, ये फील्ड इतनी छोटी है, कोई भी काम करें हम कहीं ना कहीं टकराते, और जब अच्छी यादें हों तो अच्छी तरह ही लोग मिलते हैं। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिससे भी मिलें वहाँ अच्छी यादें कायम करें, तो आप जब भी मिलेंगे खुशी होंगे, जैसे मैं आज खुश हो रही हूँ। कैसे, मैं तो हमेशा खुश होती हूँ। ओके, तो रिसेंटली आप लोगों को पता है कि सलमान के साथ बहुत ही शॉक न्यूज थी, डेथ हो गई थी, इस तरह से अपने खुद को संभाला है, ये बहुत ही एक तारीफ है, जाना हम सबको है, लेकिन जो बाकी रह जाते हैं इनके बच्चे साथ हैं, और साथ में उसको किस तरह लेके चलना है, तो ये हमें ऐसे बहादुर लोगों से सीखना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग हैं उनके लिए हमें जीना है और इस जिंदगी में चलना है। तो फैमा बताया कैसे बच्चों के साथ क्या है, कैसा जा रहा है, और ये दुख के, मुझे नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी दुख से बाहर आया जा सकता है, लेकिन कुछ होता है कि इंसान को संभलना पड़ता है। मुझे लगता है कि मैं जब ये शॉकिंग न्यूज़ मैंने सुनी, मुझे लगा कि मुझे भी जीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर थोड़ी अरसे के बाद ही मुझे अल्लाह ताला ने एक सोच दी कि नहीं, तुम्हारे साथ जो जीते जाते लोग हैं, जो भी जिंदा हैं, बिकॉज हम सब अल्लाह ताला की अमानत हैं, सब ने जाना है, लेकिन हमें ज़िंदगी में अगर हम जी रहे हैं, हम हयात हैं, तो हम उन लोगों के लिए जिए जो जिंदा हैं। अल्लाह ताला करेगा कि आपके सारे मसाइल हल होंगे, और जो चले गए अल्लाह ताला ने जगह दे देगा अब मैं ARY के स्टूडियो से बाहर आ रही हूँ और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये ARY का ऑफिस है, देख लें आप लोग, बहुत दूर बना हुआ है साइड एरिया में, और हमारे घर से तकरीबन डिफेंस से तकरीबन 45 मिनट का फर्क है, तो कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके साथ ही हैं हम लोग, खुदा हाफिज़ जी। तो जनाब अब जो है हम ARY का शो पूरा करके घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और एक घंटे के बाद मुझे दूसरी शूट पे पहुंचना है, तो बहुत जल्दी है, लंबा सफ़र है, और वहाँ से भी फ़ोन
चलते हैं फिर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आज का टाइम बहुत अच्छा गुजरा। इसी तरह मेरे साथ रहिए और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं। जहाँ रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़।